चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब गिनती का दिन भी नजदीक आ गया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो सपा नेता ने चुनाव आयोग से काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग कर डाली? एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में सातों चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। अलग अलग एग्जिट पोल को लेकर कमोबेश समान कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की वापसी और सपा की बढ़ती सीटों को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है, मगर इन अनुमानों को लेकर नेताओं में संशय भी है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा और काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की बात कही। मतगणना स्थल पर निगरानी के लिए हमने अपने सभी मतगणना अभिकर्ताओं को और चुनाव अभिकर्ताओं को गाइडलाइन दी है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की जो नियमावली है, उससे उनको अवगत कराया है और बार बार उन्हें रटाया है कि आपको ये सावधानियां रखना है। उन सावधानियों से भी आज भी हमारा जो ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, हमने अपने अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है कि किसी भी तरीके की कोई भी धांधली करना चाहे उसमें आपको ये सतर्कता रखनी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि यूपी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की जरूरत है। सपा ने इससे पहले अपने उम्मीदवारों से भी कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां दो अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए सभी कैंडिडेट से दो वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर भी मांगे गए थे। 2022 के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अब मतगणना ही होना बाकी है, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में सीधे तौर पर कहा गया है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं होने चाहिए, वहां पर जैमर लगाया जाए क्योंकि मोबाइल से हैकिंग भी हो सकती है और उसकी आशंका को देखते हुए पत्र लिख करके इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग भी की है। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।